कोरोना संक्रमण से जब पूरा देश जूझ रहा है तो उसी समय आज ईद का त्योहार भी है। ऐसे में त्योहार भी इस बीमारी से बच नहीं पाया है। हमारे पास गाजीपुर के कुछ वीडियो हैं जिनमें हम दिखाएंगे कि आखिर इस लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के काल में गाजीपुर कैसे ईद मना रहा है। इस बार लॉकडाउन की वजह से ईदगाह और मस्जिदों में त्योहार का वो माहौल देखने को नहीं मिला जो हर साल मिलता है। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अदा की। गाजीपुर के डीएम ओम प्रकाश आर्य एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने जनपद वासियों को ईद की बधाई दी। ये शायद पहला मौका है जब ईदगाह में सामूहिक नमाज नहीं हुई। इस बार कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण धार्मिक कार्यक्रमों व भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर पाबंदी है। लोगों ने भी इसका पालन किया और दूरी बनाकर ही एक दूसरे को ईद की बधाई दी। आइए उन्हीं से सुनते हैं। भाई आज है त्योहार है जी ईद का, आपने कैसे ईद मनाया? ईद जो है ईद की नमाज जो वाजिब होती है, हम लोगों ने तो काना नमाज पढ़ के जो है अपने घरों में जो है ईद की नमाज अदा की। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या किया? फिर हम लोग अपनी फैमिली में एक दूसरे से हाथ मिला के सलाम दुआ हुआ, गले तो मिले नहीं हम लोग। क्यों गले? इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है और हुकूमत का एहतराम करना है, जो हुकूमत ने आदेश दिया वो करना है। इस बीच पुलिस भी मुस्तैद दिखी। ये सुनिश्चित किया गया कि त्योहार के दौरान अनावश्यक भीड़ न जुटे और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको बता दें कि गाजीपुर प्रशासन ने त्योहार से पहले भी रूट मार्च कर तैयारियों का जायजा लिया है। प्रशासन की पूरी कोशिश यही है कि त्योहार के बीच कहीं संक्रमण न फैल जाए। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।